सो गाइस हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं और सामने आप लोग देख सकते हो गेट वे ऑफ इंडिया। तो ये पूरा अरेबियन सी है, आप मेरे सामने देख सकते हो, और मेरे पीछे अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये हमारा ताज होटल, दिस वन, दिस इज द ताज होटल। सो गाइस यहाँ पे ऊपर जाने की लाइन है, एक्चुअली है 10 रुपए लगते हैं एक्स्ट्रा ऊपर बैठने के लिए। चलिए अब अपन बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। यहाँ से आप केव्स में एंटर कर सकते हैं, और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एज पर द रीसेंट स्टडी ऑन इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसे 5th से 6th सेंचुरी के मिड में किंग कृष्णा राजा के दौरान बनाया गया था। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। सो एक बार फिर से मैं ये व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज द सेकंड पार्ट, जो मुंबई की ट्रिप जो चल रही थी विद माय ब्रदर। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका, वो जाके आप देख सकते हो, मेरे आई बन बटन पे कहीं पे आ रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एलिफेंटा केव को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया था, आप देख सकते हो आई बटन में जैसे मैंने बताया। सो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल अभी हम लोग हैं कहाँ पर, कौन सी जगह थी, कोलाबा, और ये ताज होटल से हमने अपनी कार को अनपार्क करके लेके जा रहे हैं। और नौशीना और भाभी दोनों जो हैं वो केव सी गई हैं फॉर सम रीज़न, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सो हम उनको पिकअप करने जा रहे हैं वहाँ से, एंड देन विल मूव अहेड। तो ये मेरा भाई गाड़ी चला रहा है, कैसा लग रहा है भाई अभी तक? दिस इज सो ऑसम फीलिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। बचपन से जो घूमे थे उसको दोबारा घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। बड़े मियाँ जाने का एक बार और मौका मिल जाए बस। हाँ, बड़े मियाँ हम गए नहीं, अभी जाएंगे, फिर से वापस आएंगे यहाँ पर, होपफुली आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आ गए आप लोग भी, दिस इज अ फ्रेश न्यू व्लॉग। कहाँ गए थे आप लोग? रईस लोग जाते हैं, हम लोग तो क्या है वॉशरूम सुबह सुबह चले जाते हैं, ये लोग केएफसी जाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे सीधा हाजी अली, हाजी अली का मैप लगाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, सो जो पीछे बैठे हुए हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो हमें बताने जा रहे हैं कि जो हमने इससे पहले एक्सप्लोर किया था, फिर भूल गया मैं, एलिफेंटा केव्स, हाथी वाला केव जो था, जरा बताएं आप। वहाँ जाके मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं लगा, मतलब मुझे तो नॉर्मल सा लगा। हाँ, लेकिन जो मंदिर के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं वो विजिट करें जाकर, बाकी देखने लायक ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इतना आप चल के जा रहे हो वहाँ पे तो ऐसे कुछ सीनिक व्यूज नहीं है, मुझे तो नहीं लगे। भाभी आप बताइए। मुझे भी इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब ओके है, जो फर्स्ट टाइम जाता है बस ओके मतलब हाँ आप इंजॉय कर सकते हो, बहुत टॉप पे है, बहुत सारी कैलोरी बर्न करनी हो जा सकता है, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। और सामने आप देख सकते हो वानखेड़े स्टेडियम, ये वाला वानखेड़े स्टेडियम आ चुका है हमारा, और लेफ्ट साइड में आप नरीमन पॉइंट देख सकते हो। और ये इसका जो मजा है ना नरीमन पॉइंट का, वो रात को है। यहाँ पे आ तो गए, लेकिन ये हीरा पन्ना करके एक मॉल है, उसकी अंडरग्राउंड में पार्किंग है, और यहाँ लिखा हुआ है अभी पार्किंग फुल, सो लेट्स सी। लेकिन स्टिल इसने बोला है हमें कि हम पार्किंग आपको अवेलेबल करा देंगे, तो हम चलते हैं अंदर। एक्चुअली में क्या ना, जो हाजी अली ना उसके पास में एक यही पार्किंग है जो बेस्ट लोग को पड़ता है, क्योंकि जस्ट यहाँ से बाहर निकल के अंडरग्राउंड से पास जा से अंडरग्राउंड से आप जा सकते हो वहाँ पे, तो इसलिए सभी लोग यहीं पार्क करते हैं अपनी बाइक्स मतलब व्हीकल्स। सो हम भी यहीं पर आए, देखते हैं क्या होता है। पेटीएम करा लो, 100 रुपये है। हाँ नहीं, वो 30 रुपये जाएगा, डिफरेंट जाएगा। अच्छा, कार का क्या पता होगा? दो घंटे का 100 रुपया है, ठीक है, रखो। दो घंटे का 100 रुपया है क्या? एक घंटे में जाएंगे 50, आपको रिफंड आएगा आगे जाने से। अच्छा, रिफंड कर देते हैं, पर्ची हटना है। पर्ची लेनी है ना? ऑलराइट, सो काफ़ी मुशक्कत के बाद हमारी जो पर्ची कट गई है पार्किंग की, हम अराउंड 20 मिनट से वहीं लाइन में क्यू में खड़े हुए थे। आई थिंक मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखने वाला हूँ तो हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं, अभी तक हम हाजी अली नहीं पहुँचे हैं, मतलब हाजी अली के एरिया में पहुँच गए,
और ये पार्किंग वाला है। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग अपनी कार पार्क करके आ गए हैं बाहर। एक्चुअल में क्या है ना, हाजी अली के अंदर है ना कैमरा अलाउ नहीं करते, तो मैं गोप्रो से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये मॉल है जिसके हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करी है। सो सामने आप देख सकते हो उस तरफ, ये वाला एरिया जो है ना, ये हाजी अली जूस सेंटर है। बाकी मैंने इसका डिटेल में वीडियो एक बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो, मेरा आई बटन पे आ रहा होगा वीडियो बेसिकली। एंड अपन को उधर जाना है, उधर जाने के लिए अपन ये अंडर पास लेंगे, ये वाला, इधर से जाके अपन ठीक उस तरफ जा सकते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। सो ये अंडर पास है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको शॉप्स भी मिलेंगी जो आप कुछ सामान वगैरह लेना हो, स्पेशली गर्ल्स से रिलेटेड रहते हैं सारे सामान। ये आ गया अपना हाजी अली जूस सेंटर एंड देन वी हैव टू गो लेफ्ट फ्रॉम हियर। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ घर, आप जैसे देख सकते हो डायरेक्टली हाजी अली के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ। और पार्किंग में कार पार्क करने के बाद मैं हाजी अली गया था, जैसे आप लोगों ने कुछ फुटेज देखे होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने लंच किया। लंच तो नहीं, मतलब वो 6 बजे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं 6 बजे करते हैं जो लंच या फिर डिनर कर लो, क्योंकि हमने डिनर ही माना एक तरीके से। उसके बाद हमने डिनर नहीं किया। अभी बज रहे हैं 9:30 आई थिंक, और 9:30 बजे जस्ट अभी हम पहुँचे हैं घर पर। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहा क्योंकि ज़्यादा इतना हैपनिंग भी नहीं था, क्योंकि हमने जुहू बीच का भी प्लान बनाया था लेकिन हम खाना खाने के बाद थक गए। और हाँ, चाय मेरे पास आ गई, आप देख सकते हो नौशना बैठी यहाँ पे। तो हाँ, खाने का मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हाजी अली जा रहे हो और वो नूरानी कैफ़े, नूरानी कैफ़े नाम है ना, कैफ़े नूरानी में खाना नहीं खाया तो आपने क्या खाना खाया, क्योंकि वहीं पर एक बढ़िया नॉनवेज वाला खाना मिलता है और हलाल भी रहता है वो। तो मुस्लिम जो मेरे व्यूअर्स हैं वहाँ जाके आप खा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा खाना रहता है। हमने वहाँ पे खाने में क्या क्या लिया था, सीख कबाब लिया था और चिकन टिक्का मसाला मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग कैसा लगा? ओके लगा ना, मुझे भी ओके लगा, लेकिन जो सीख कबाब थे ना वो अमेजिंग, मज़ा आ गया मतलब उसको खाने में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रही हमारी, सेकंड पार्ट जो था, सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो जो हमने एक्सप्लोर किया था एलिफेंटा केव्स, वो आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो अभी भी जाके आई बटन पे जाके देख सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, मतलब वो बहुत धमाल वाली वीडियो आने वाली है, और सिनेमेटिक शॉट अच्छे होंगे उसके अंदर, पूरा नेचर रहेगा, मतलब आपको मज़ा। हिल स्टेशन सर्च कर रहे हो तो यू कैन See our next vlog. तो फिलहाल इस वीडियो को हम बंद करते हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बोल दो भाई साहब। बाय एवरीवन, खुदा हाफिज़।